तो और गाइस कैसे हो आप लोग। गाइस आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे कुछ इस प्रकार की स्टेटस वीडियो। सो गाइस अगर आप इस प्रकार की वीडियो को बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहना। तो गाइस मैं आपको बता दूं, अगर आप एक पार्ट को भी स्किप कर देते हो तो आप इस प्रकार की वीडियो बिल्कुल भी नहीं बना पाओगे, आपका वीडियो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखते रहना और वीडियो जो आप बनाओगे इंस्टाग्राम पर मेरे को मेंशन कर देना, फिर मैं आपको बता दूंगा वीडियो आपका सही बना या नहीं। ओके गाइस चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं करते कि लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके साइड वाला बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। और गाइस हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी ज्वाइन कर लें, आसिफ टेक नाम है और लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। ओके गाइस चलिए आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस आपको इस प्रकार से काइन मास्टर में आ जाना है, फिर आपको प्लस आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ से ये विजुअलाइज को सिलेक्ट करना है, फिर आपको जाना है मीडिया में और आपको ये वाला फ्रेम को ऐड करना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैंने खुद से बनाया तो इसको आप ऐड कर लेना। ओके गाइस फिर आपको इसको क्रॉप में जाना है और यहाँ से इक्वल कर देना है और इस प्रकार से इसका साइज जो है एडजस्ट कर लेना है। तो आप अच्छे से एडजस्ट करना, इधर उधर नहीं होना चाहिए। ओके गाइस इस प्रकार से आप सही से एडजस्ट कर लेना इसको, तो आप देख लेना कैसे आपका सही से हो रहा है या नहीं। तो वैसे मैंने कर दिया, आप लोग देख सकते हो। फिर इसका जो है डन कर देना है। डन करने के बाद इसका जो लेंथ है इस प्रकार से बढ़ा देना है, अपने वीडियो के हिसाब से आप बढ़ा देना। फिर आपको लेयर पर क्लिक करना है और मीडिया पर क्लिक करना है, और सबसे पहले आपको ये वाला जो है हमारा इफेक्ट रहेगा, सॉरी गाइस ये जो हमारा इफेक्ट है उसको ऐड करना है आपको। तो मैं ऐड करता हूँ गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, तो शायद ये वाला इफेक्ट रहेगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला इफेक्ट है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो इसको नीचे से आप क्रॉप कर देना, क्रॉप करने के बाद इसको डन कर देना। डन करने के बाद इसको नीचे ले करना यहाँ से और यहाँ पे आके इसको सही से एडजस्ट कर देना है। और इसका कलर फिल्टर में जाना है आपको, और आपको ये वाला सेलेक्ट कर लेना है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, जैसे आप इसको सेलेक्ट करोगे फिर आपको डन करना है। ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाकर उसको मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो चुका है गाइस। फिर इसको आप सही से एडजस्ट कर सकते हो यहाँ से। तो गाइस सही से एडजस्ट हो चुका है, आप लोग देख सकते हो। तो गाइस अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमारा जो है इफेक्ट एड हो चुका है। सो गाइस फिर आपको लेयर पर क्लिक करना है और मीडिया पर क्लिक करना है, और जो अभी आपका इमेज है अपनी इमेज को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो मेरा एक इमेज में इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे ये वाला इमेज को सिलेक्ट करता हूँ जो मेरा मेन इमेज है जो मैं इसको यूज करूँगा। तो ये इमेज का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप चाहो तो यूज कर सकते हो अगर आप एक यूट्यूब पे वीडियो बनाते हो। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस प्रकार से इसका लेंथ बढ़ा देना। आप लेंथ बढ़ाने के बाद इस प्रकार से नीचे इस प्रकार से एडजस्ट करना है इसको, आप देख लेना सही से एडजस्ट हो रहा है या नहीं। अगर इधर उधर जाएगा तो बिल्कुल भी सही नहीं लगेगा, तो इसको बिल्कुल फ्रेम में एड करना। इसका ब्लेंडिंग ऑप्शन जाकर उसको स्क्रीन कर देना, तब जाके अंदाजा लग जाएगा आपको ये सही से एडजस्ट हो रहा है या नहीं। तो आप देख लेना सही से एडजस्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से मैंने सही से एडजस्ट कर दिया, आप लोग देख सकते हो। तो थोड़ा नीचे ये भाग गया है, तो हम नीचे से थोड़ा इसको क्रॉप कर देंगे, बस यहाँ पे हो गया एडजस्ट, आप लोग देख सकते हो। फिर इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ, ये ऊपर ज़्यादा भाग गया है। तो इस प्रकार से आप देख के एडजस्ट करना, वरना आपका जो वीडियो सही नहीं बनेगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एड हो चुका है गाइस। सो गाइस फिर आपको लेयर पे क्लिक करना है और मीडिया पे क्लिक करना है, और सबसे पहले आपको ये वाला लिरिक्स वाले वीडियो को एड करना है। सो गाइस मैं आपको बता दूँ, ये लिरिक्स वाले वीडियो को इसी प्रकार से आप एड कर लेना। फिर इसका यहाँ से क्रॉप में जाना है, उसको चारों साइड से क्रॉप कर देना, जहाँ जहाँ व्हाइट पार्ट है उसको पूरा क्रॉप कर देना, सिर्फ ब्लैक पार्ट रहना चाहिए। यह बात आप ध्यान में रखना, वरना आपकी ये वीडियो बिल्कुल भी सही नहीं बनेगी। तो इस प्रकार से आपको क्रॉप कर देना है चारों साइड से, और क्रॉप करने के बाद इसका ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाके उसको यहाँ से स्क्रीन कर देना है। जब स्क्रीन कर दोगे आप लोग देख सकते हो स्क्रीन हो चुका है। फिर इस प्रकार से यहाँ पे नीचे ले करना है और इसको सही से एडजस्ट कर लेना, आप देख रहे हैं सही से एडजस्ट हो रहा है या नहीं। तो इस प्रकार से आपको सही से एडजस्ट कर लेना है अपने फ्रेम के अंदर। तो इस प्रकार से मैंने एडजस्ट किया, आप लोग देख सकते हो। तो हमारा जो इफेक्ट था थोड़ा ज़्यादा चौड़ा हो गया, तो इसको मैं अच्छे से कर देता हूँ। ओके गाइस तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस प्रकार से आपको सही से एडजस्ट कर लेना, और गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस प्रकार से आपको सही से एडजस्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे सही से एडजस्ट कर लिया, आप लोग देख सकते हो। फिर आपको लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, और आपको ये वाला इफेक्ट को ऐड करना है। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस मैं उसको ऐड कर लेता हूँ, आपको इस प्रकार से ऐड कर लेना है। जैसे आप ऐड कर लोगे फिर इसको यहाँ सही से एडजस्ट करना है, और एडजस्ट करने के बाद इसका ब्लेंडिंग ऑप्शन जाके उसको यहाँ से स्क्रीन कर देना है। सो गाइस जैसे स्क्रीन कर दोगे इस प्रकार से हमारा इफेक्ट भी ऐड हो चुका है। फाइनली हमारा वीडियो बनकर तैयार हो चुकी गाइस। सो गाइस बाकी सारे आप अच्छे से एडजस्ट कर लेना, फिर आपको शेयर बटन पे क्लिक करना है और अपने क्वालिटी को सिलेक्ट करके अपने वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। सो गाइस यही आज का वीडियो, होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन जरूर दबा देना। तो गाइस मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक।